हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। नजदीक आ जाए माइक के आप। हाँ नहीं, अब तो बिल्कुल ही चली गई है आपकी आवाज, अब तो बिल्कुल चली गई। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? अब बेहतर है, अब बेहतर है जी। अब बोलिए आप। नहीं फिर चली गई आवाज आपकी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। यार मेरा नेट पता नहीं क्या हो गया है, माय नेट कीप्स गोइंग अवे। अच्छा हमारे पास और कौन आए हैं यहाँ पर? रिक्वेस्ट की हुई है काफी लोगों ने, मैंने प्रूफ तो की थी। अच्छा सो वी विल गो टू राणा जी। जी राणा जी, क्या हाल है आपका? ऑनलाइन क्लास कैसे करें माली जी? कौन सी ऑनलाइन क्लास करनी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी मैं ठीक ठाक हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि इंडिया में ये किसी का माइक या तो ऑन है क्योंकि आवाज मेरा ही माइक ऑन था। जी आप बोले बोले। जी बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया में जो है ना वो दहशत तो फैलाई जा रही है पिछले 3-4 साल से, और ये इसी दहशत का नतीजा है जो आए रोज आपके सामने आ रहा है। ये नफरतों की जंग जो है वो आपने इसकी शुरुआत की है, और आप देखेंगे ये प्रधानमंत्री के दौर में किस किस्म के हालात होते जा रहे हैं। अगर इन हालात के पस मंजर में जाया जाए तो आपको पता चलेगा कि जब से ये हुकूमत और सरकार बनी है इसने आपस में लोगों को तालीम और आगे बढ़ने से रोका ही है, और इनको इस चीज में लगा दिया है कि आप किसी को किसी चीज का गोश्त खाने पे मार दो, किसी के मस्जिद जो उसकी इबादत का है उसको गिरा दो। तो रिजेंटमेंट के नतीजे में मैं समझता हूँ ये सब चीजें हो रही हैं। फिर ऊपर से आपने भी अपना जो है वो आईडी इस किस्म का बनाया हुआ है कि आप उस नफरत के अंदर मजीद तेल जो है ना वो डाल रही है। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है कि आपको क्या सोसाइटी के अंदर आप थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं इसको? अगर आप चाहें अपना किरदार अदा करने तो आप। जी तो बात ये है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड प्रोफेसर, एक सेकंड। देखिए बात ये अभी की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, ये बात है 1400 साल पहले की। ठीक है, 1400 साल पहले एक आइडियोलॉजी आई जिसने आके ये कहा कि बाकी सारे लोग जो मिलजुल कर रह रहे थे उनसे कहा कि नहीं आप लोगों का सब कुछ गलत है, हम नई चीज देकर आए हैं और आप इस पे मानो, और इस पे जो नहीं मानेगा वो उसका सरकलम कर दिया जाएगा वरना आप जिजिया देंगे। इस तरह से आप लोग कॉन्कर करते गए, इन्वेड करते गए करते गए, तलवार की जोर पे आपने इन्वेजन्स की, और जा जाके आप स्पेन तक, आप तो यूरोप के अंदर भी घुस रहे थे, वो तो क्रूसेड स्टार्ट हुई वहां पे, राइट? क्रूसेडर्स ने क्या करा था? यही वही चीज जो आज हो रही है वैसे ही होगा दोबारा से। समझ रहे हैं कि आप लोग जहां भी जाते हैं हर मुल्क में जाकर मुसलमानों का रोना धोना रहता है, इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, मुसलमानों पे जुल्म मुसलमानों पे जुल्म मुसलमानों पे, तो अमेरिका भी जुल्म कर रहा है तो कनाडा भी जुल्म कर रहा है, यू नो सिर्फ मोदी का थोड़ी है इसमें हाथ।
तो अब क्रिश्चियन भी कट्टर बनते जा रहे हैं भाई। कोई अपने मुल्क में आप लोग किसी को राइट देते नहीं हो, आपके मुल्क में कोई चला जाए वहां पर आप उन लोगों को नीचा दिखाते हो, उन लोगों को अपने कोई एक लॉ चेंज नहीं करने देते हो, मगर जब दूसरों के मुल्क में जाते हो तो उनके सीने पे चढ़ के बैठते हैं और कहते हैं हमें हमें राइट्स चाहिए हैं और हमें राइट्स नहीं मिलेंगे तो हम मजलूम होने का नाटक करेंगे यहाँ पर। अरे भाई साहब, मजलूम इतना बीजेपी वाले वो कर रहे थे मुसलमानों पे, तो एक मुसलमान की कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि उसने जाके सर कलम कर दिया दो लोगों ने। दूसरी बात, इतने सारे जो मौलवी और आपके जो रोडों पे प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, खुल्ला सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, औरतें लगा रही हैं, मर्द लगा रहे हैं। यहाँ लगाओगे ना आपको उठाकर हेट स्पीच के अंडर ना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह से आप सर तन से जुदा के वो नहीं लगा सकते हो नारे। तो आपने वो नारे लगाए, आप कब से इन्वेड करके बैठे हो इंडिया पे, है ना? कितने सालों आप लोगों ने इंडिया पे रूल किया, कितने हिंदू को मार दिया, कन्वर्ट करा दिया, हमारे सारे एंसेस्टर्स को कन्वर्ट करवा दिया, वो सब हिंदू थे, उनको उठा के बनवा दिया आपने मुसलमान, यू नो? तो ये आपको नहीं दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि हाय हम पे जुल्म कर रहा है मोदी। ये आज का रिएक्शन नहीं है, ये है 1400 साल या जब से आप आगे इंडिया पे बैठे हैं तब का रिएक्शन। अब आज आपको दिख रहा है तो अब आप रो रहे हो, फिर से अभी भी रोना शुरू है आपका। पहले आप लोग माइनॉरिटी में आप हमेशा रोते हैं, मगर जहाँ मेजोरिटी होनी शुरू होती है ना आपकी, तो आप लोगों के फिर असल रंग दिखना शुरू होते हैं। यहाँ पर आपको मुझे एक बात बताओ, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, कनाडा आए थे, वेस्ट में आए थे, क्या उनको पता नहीं था यहाँ नमाजें, यहाँ मॉस्क नहीं है, यहाँ पर हलाल खाना नहीं होता, तो आए क्यों यहाँ पर? यहाँ आए और यहाँ पर अब मॉस्क भी चाहिए, तो प्रेयर रूम भी चाहिए, तो गुंबदों से और लाउड स्पीकर भी चाहिए, उसमें से भी आवाज़ आनी चाहिए, हमको हॉलीडेज भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, हमको सब चाहिए, मगर हम अपने मुल्कों में किसी को कुछ भी नहीं देंगे। एक्चुअली हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान में, हिंदू लड़कियों को उठा के लेके जाएंगे माइनर मियां मिट्टू जैसे लोग और उनको कन्वर्ट करवाएंगे। और फिर नहीं, नहीं ये तो खुद करना चाह रही थी, सिर्फ लड़कियों को, कोई हिंदू मर्द नहीं कन्वर्ट होता वहां पे, शादी करता है, बस सिर्फ औरतें करती हैं। यार आप लोग अब बातें कर रहे हो ना, दे हैव नो लाइक, उसमें कोई वेट ही नहीं है आपकी बातों में, कोई नहीं मान रहा आप लोगों की बातों को एनी मोर। तो जी जी, इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको ये कहूंगा कि एक इस्लामिक हिस्ट्री अगर आपने 1400 साल पहले की बात की है तो उसमें एक खातून और थी जिन्होंने फीमेल प्रॉफिट होने का दावा किया था और उनका एंड रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ था। तो बहरहाल मैं आपको जो है ये नहीं कहूंगा। अच्छा तो एक सेकंड राणा जी, उस जमाने में प्रॉफिट तो वर्ड था ही नहीं। प्रॉफिट का मतलब ये होता है जो प्रोफेसी करता है, मतलब कि आगे का आपको बताता है, ठीक है? तो वो तो ना आपके किसी भी मैसेंजर ने नहीं किया, आपके ना उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 प्रेडिक्ट की, ना वर्ल्ड वॉर 2 प्रेडिक्ट की, ना उन्होंने कोरोना वायरस प्रेडिक्ट किया, ना उन्होंने यूक्रेन की वॉर प्रेडिक्ट की, प्रेडिक्ट तो कुछ भी नहीं किया। और प्रॉफिट आपका वर्ड तो है ही नहीं, आपका वर्ड है रसूल, नबी। मैं तो वो यूज ही नहीं कर रही हूँ यहाँ आके दिखाने के लिए कि यहाँ पर आकर एक प्रॉफिट लिखने पे आप मुझको धमकी देने पे उतर आए। लाइक सीरियसली, दिस इज योर पेशेंस? नहीं, इसमें हमारी जो है ना वो चार किताबें हैं, हम उन चार किताबों के ऊपर हमारा ईमान है, उन चार किताबों, वो चार किताबों तो वाले नहीं मानते, चार किताबों वाले मानते ही नहीं आपकी किताब को, आप जबरदस्ती उनकी किताब को मान रहे हैं। वो तो कहते हैं, वो तो मानते ही नहीं आपकी प्रॉफिट को या आपके मैसेंजर को, आप खामखाई में क्यों उन किताबों में घुस रहे हैं? उन किताबों में आपकी किताब का मेंशन ही नहीं है। हाउ कैन दैट बी कि एक किताब जो चलती आ रही है उनमें मेंशन ही नहीं है? आप किसी कैनेडियन लाइब्रेरी में जाके इसको काइंडली सर्च कीजिएगा, द क्लोजेस्ट रिलीजन टू इस्लाम इज क्रिश्चियनिटी, द क्लोजेस्ट रिलीजन। हां भाई, क्योंकि वहीं से कॉपी की है ना, दिस इज द होल थिंग। दिमाग नहीं है क्या आप लोगों का? पहले ज़ोरास्ट्रियंस थे, ज़ोरास्ट्रियंस से नमाजें चुराई, ये वन गॉड का जो क्रिएशन उठाया था, जुडाइज्म ने उठाया, वो लेकर आए, फिर उनमें से कॉपी करके क्रिश्चियनिटी बनी। तो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज्म और ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इन चीजों को उठा के मिक्सर करके तो आपने इस्लाम बनाया है। लाइक मैं कहां सर फोड़ूं अपना, सीरियसली ये नहीं आपको पता? जी इसमें मैं जानना चाह रहा था आपका धर्म कौन सा है? इंसानियत, मेरा धर्म है इंसानियत।
इसका मतलब है आप एथियस्ट हैं। क्यों, इंसान नहीं हो सकती मैं? इंसान के, इंसान पे भरोसा नहीं हो सकता क्या? एथियस्ट ही होना जरूरी तो है। एथियस्ट, एथियस्ट भी तो इंसानियत पे बिलीव करते हैं। मैं सेंटा क्लॉज पे बिलीव करती हूँ। जी बोलें अब आप। That means you are Christian, right? नहीं नहीं, मैं जीसस पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं सेंटा क्लॉज पे बिलीव करती हूँ। मैं सेंटा क्लॉज के ऊपर हाथ उठा के दुआएं मांगती हूँ, सेंटा क्लॉज मुझे ये ला के देना, मुझे वो ला के देना। मेरा सेंटा क्लॉज उड़ता भी है और वो एक रात में पूरी दुनिया में बच्चों को, यानी क्रिश्चियन दुनिया में बच्चों को तोहफे भी देता है। वो ऐसा कोई नहीं है जो कर सकता है, मेरा सेंटा क्लॉज पे बिलीव है। इसका मतलब है आपको गिफ्ट्स वगैरह बहुत पसंद है। भाई गिफ्ट वगैरह किसको नहीं पसंद, गिफ्ट तो सबको पसंद है। अब देखो लौंडियां आती थी है ना, माले गनीमत में आती थी, वो गिफ्ट कितना बांटी जाती थी, कितना पसंद था सहाबा को कि हाय नई लौंडी आई है, मुझको ये वाली दे दीजिए हुजूर, किसको नहीं पसंद। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो आपका कहते हैं कि वेस्ट लाइन से ऊपर वाला हिस्सा कोई और जो है ना कंट्रोल कर रहा है, और वेस्ट लाइन से नीचे वाला हिस्सा कोई दिलीप है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर वाला जो है ना ब्राह्मण है वो कर रहे हैं, क्या है ये? थोड़ा सा मुझे थोड़ी जानकारी देंगी इसके बारे में? ये है आपके दिमाग की कमी, मैं इस पे और क्या बोलूं, ये आपके दिमाग की कमी है। ये हमारे ऊपर का हिस्सा कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा ऊपर का हिस्सा भी मैं ही कंट्रोल करती हूँ, मेरे नीचे का हिस्सा भी मैं ही कंट्रोल करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि भैया आपकी फैमिली में औरतों के ऊपर नीचे के हिस्से कौन कंट्रोल करते हैं। भाई मैं अपना हिस्सा खुद ही कंट्रोल करती हूँ, ना कोई ब्रह्मा आके करता है, ना कोई मोहम्मद वासी आके करता है, ना कोई क्रिश्चियन आके करता है, ठीक है ना? तो ये आपके दिमाग में वो जो स्मार्टनेस वाला जो जीन्स थे ना, वो जो साइड होता है स्मार्ट होने वाला साइड जो होता है दिमाग का, वो अल्लाह मियां डालना भूल गया एक्चुअली, वो जल्दी जल्दी में ना वो भूल गए। तो अब आप लोगों की समझ में नहीं आएगी ये बात। अच्छा ये एक और चीज थोड़ी सी काइंडली क्लेरिफाई कीजिएगा, ये गणेश साहब की आगे सोच कैसे है? अच्छा पहली चीज तो राणा जी, राणा जी सुने, मैं आपको यहाँ हिंदू लग रही हूँ ये बताइए पहले, मैं क्या लग रही था। तो आप जाए ना, हिंदू इतनी स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं सनातन धर्म पे, बड़ी स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं, वहां जाके पूछें आप उनसे, भाई मैं हिंदू तो हूं नहीं ना कभी थी, तो मैं उनकी रिलीजन का कैसे बता सकती हूँ आपको? हाँ इस्लाम पे पूछें मुझसे तो मैं बता दूंगी आपको, मैं हिंदू हूं ही नहीं। तो आप जाके, यानी आप जाके गायनोकोलॉजिस्ट से कह रहे मेरे हार्ट का इलाज करो। अच्छा, तो ये आप मुझे ये बताएं आप जो है वो ब्राह्मण? भाई साहब अभी मैंने आपको क्या बताया, यानी कहाँ है दिमाग आपका? मैंने अभी आपको बोला तो मैं नहीं हूँ हिंदू, तो मैं ब्राह्मण कहाँ से हो जाऊंगी? काइंडली कुछ बोल सकते हो? जी प्रोफेसर जी बोले बोले, मेरा तो दिमाग चाट दिया इन्होंने। पहली बात है मैम, मेरे को ब्रेन ये आप किस तक खपा रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है या नहीं मालूम होता है वो तो सब बात की बात है, ये लोग बस सिर्फ आपका मजा लेना चाहते हैं, बस खपाते हैं आपके साथ लंबी लंबी बातें करना, ये करना वो करना। हाय भाई प्रोफेसर जी, इन बेचारों का कसूर नहीं है, सारे मजे बेचारे मुर्गियों और बकरियों के साथ लेते हैं, तो मालीच की गालियां सुनने के लिए आते हैं यहाँ पर, इनको नसीब नहीं है ना, मेरे नसीब में सिर्फ बकरियां ही बकरियां हैं। तो अब मैं क्या बोलूं, अब जो बेचारों को बकरियां ही मिलती हैं वो बेचारी मालीच के पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा आपके ट्वीट के नीचे मैंने रिप्लाई किया, देखिएगा जरा, आज एक ना बेचारी लड़की के साथ आप लोगों ने ना रेप किया, वो आप लोग ना उधर रेप कर रहे थे तो आगे से ना बस वालों ने पकड़ के मारा है लड़के को उधर, आप बहुत अच्छा किया, लिंक भी शेयर किया, बहुत अच्छा किया। और इसी तरह से अभी मैं पाकिस्तान का एक मैं शेयर करती हूँ, जहाँ पर एक बच्चा बच्ची थी छोटी सी, मेरे ख्याल से 6-7 साल की है, उसके साथ बंदा लगा हुआ था उसकी पेंट उतार कर, ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है भाई, औरतों की तो दोनों तरफ ही लगाई हुई है तुम लोगों ने, औरत को तो राइट दिए ही नहीं है। उसने उसने पेंट बच्ची खुद बता रही है, इसने मेरी पेंट उतार के मुझे हाथ लगाया, क्या मैं उस बच्ची का वो नहीं करूं,
उसकी बात नहीं सुनू, आपकी बात सुनू, यानी आपके दिल में वो नहीं है कि उस बच्ची ने ये बात बोली, आपको ये देखना है उस बच्ची की पेंट उतरी हुई थी कि नहीं होती। यार क्या है तुम्हारी, सॉरी जो से छोटी बहन या बच्ची के साथ ऐसा हो जाए तो तू ये पूछेगा कि उसकी पेंट उतरी हुई थी कि नहीं उतरी हुई थी? किस किस्म के इंसान हो तुम लोग, लाइक कहाँ से आते हो? आपने उसको देखा है, उसको फिजिकली तौर पे किसी किस्म का कांटेक्ट हो रहा हो? मैं आपको वीडियो लगा देती हूँ, नहीं मैं वीडियो लगा देती हूँ आपके लिए, पूरा नहीं पूरा पॉइंट दिखा देते ना आपको, पूरा होते हुए दिखा देते हैं, फिर शायद आपको भरोसा हो जाएगा। छोटी बच्ची जो बोल रही है वो तो झूठ बोल रही है, आपको प्रोटेक्ट करना है। मैं लगाती हूँ ऊपर नेस पे, सबर करो मैं लगाती हूँ अभी, ठहरो। अरे भाई कोश तो मैं हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि जी भूपेंद्र यादव। ये भैया अलग से चचा बना हुआ है, ये जो भी आदमी है अलग से चचा बना। इसको मैं एक स्टेर सुना देता हूँ एक, कि समंदर की घाटी में चिड़िया का घोंसला, अगर यहाँ किसी ने भी हिंदुओं की बुराई करी तो उसकी माँ का घोंसला। अब आगे बात करिए। उसमें आपने गणेश की सूंड को भी घोंसला बोल दिया। बस बस आ गए औकात पे, तुरंत अपनी माँ का घोंसला लेके बैठ गए। इसीलिए तुमको बोला था, मुझे पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो कुछ तुमको कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी सुलग गई तुरंत अपने। अच्छा वो मुझे वीडियो नहीं मिला, मगर मैंने वो कल वीडियो देखा था। मुझे अगर वो मिलेगा तो मैं जरूर लगाऊंगी, क्योंकि राणा साहब कह रहे हैं भाई जब तक बंदी की पैंट उतरी हुई, पैंट उतरी हुई वो नहीं मिल, वो नहीं मिल पाएगा वो आपको। एक सेकंड सबर करें, क्योंकि राणा साहब कह रहे हैं जब तक उसकी पैंट उतरी हुई नहीं दिखे ना, तब तक वो बच्ची जो भी बोले उसमें भरोसा नहीं करो। हम तो ऐसे कभी गंदे काम करती नहीं। हमारे मौलवी का लास्ट ईयर वीडियो वायरल हुआ था, बंदे ने खुद ही वायरल किया था, वो सब झूठ है, वो कोई इनको दिख रहा ही नहीं है। आंखें बंद कर लो, बस आंखें बंद कर लो। तो आप आंखें बंद कर लेंगे, हम तो नहीं करेंगे। मगर मैंने एक और वीडियो ऊपर लगाया है, ये कोई टिकटॉकर है, हिंदू टिकटॉकर है, और वो माफिया मांग रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो, उसको धमकियां आई हैं, और वो अपनी सारी यूट्यूब ट्विटर टिकटॉक फैमिली से कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ये हालत कर दी है लोगों की, इन लोगों ने। अच्छा दोबारा अगर स्कैम की कोई वीडियो आया करे तो आप मुंह दूसरी तरफ कर लिया करें ना। हाँ जिस दिन तुम्हारी माँ बहन या बेटी की आएगी ना, तो उस दिन जरूर मैं मुंह दूसरी तरफ कर लूंगी, ठीक है? तुम भी कर लेना मुंह दूसरी तरफ उस दिन। एक्चुअली तुम काम करना, तुम अपना मुंह जो है ना मौलाना साहब की गांड के अंदर घुसा के छुप जाना, ठीक है? तुम ये करना उस दिन। क्या बोले ये आप घाट को, आई थिंक आप लोग एस को बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं आप लोग? मुझे थोड़े वीक है मेरी हिंदी। गांड उर्दू का वर्ड है, गांड उर्दू का वर्ड है, हिंदी का वर्ड ही नहीं है, हिंदी का वर्ड ही नहीं है। इन्होंने खुद गांड इजाद किया, इनको पता ही नहीं है कौन से तुम गोरे दे पुत्र बैठे हो वहाँ पे। एस एस गोरों का वर्ड है, ये बड़े आ गए। एस नहीं, तुम लोगों की होती है गांड, घुंड, घुंड। वेस से ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाले पता नहीं बेटा, ये आप अपनी मम्मी से पूछेंगे। मुझे वेस के ऊपर वाले से आपने पैदा किया था या पिछवाड़े से पैदा किया था? मम्मी से आपने एनाटॉमी कभी सीखी नहीं, आपको सिखाई नहीं? अरे वो छोड़िए, ये मुंह से आगता है इसीलिए इसको मालूम नहीं है। ये एक सेकंड देखिए, एक सेकंड गाइस, मैं हमेशा आपको बता चुकी हूँ प्रॉब्लम क्या है असल में, ठीक है? समझे, प्रॉब्लम ये है कि एडम बना, आदम अलैहि सलाम आए, ठीक है? उनकी पसली से हवा को बनाया गया, ठीक है? तो एक कपल बना दिया अल्लाह मियां ने, चमत्कार कर दिया इंसान को बनाकर। तो उन्होंने फिर क्या करा, अल्लाह मियां ने कहा अच्छा ठीक है तुम लोग डिंग डोंग कर लो आपस में, और फिर आगे इंसानियत को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अच्छा एक काम करते हैं, तुम लोगों के बच्चे जो है ना भाई बहन, उनकी शादी करा देते हैं। तो इंसेस्ट बना दिया उनको। तो इंसेस्ट से ये होता है कि जो बच्चे आगे पैदा होते हैं उनका दिमागी तवाजुन से सही नहीं होता है, उनको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, फिजिकल मेंटल यू नो सारी इस तरह की। तो अब आप सोचो कि एक नस्ल जो इंसेस्ट से चली है तो उनके पास पूरा दिमाग कहाँ से होगा? वो मेंटली सही होएंगे कैसे, ठीक है? फिर ऑन टॉप ऑफ दैट सोने पे सुहागा ये हो गया है कि बच्चा पैदा होता है वजाइना से। वजाइना के जो मसल्स होते हैं वो जब बच्चा पैदा होता है ना तो कंट्रैक्शन करती है वजाइना, राइट? और वो स्ट्रेच होती है ताकि बच्चा निकले वहां से।
बच्चे का दिमाग बहुत सॉफ्ट होता है, यानी सर का हिस्सा बहुत सॉफ्ट होता है, इसी वजह से आप उसको संभाल संभाल के रखते हो कि भाई बच्चे के सर पे कुछ ना हो जाए, होता है ना। हाँ, तो इसी वजह से होता है कि उस पे प्रेशर ना पड़े। अब आप ले लो भुंड, भुंड होती है टाइट बिल्कुल, ठीक है ना, उसपे भी अगर टट्टी करते हो तो बहुत करके निकलती है, तकलीफ होती है ना। तो अगर आप बच्चा पिछवाड़े से निकलेगा तो आप खुद ही सोचो कि उसका असर कैसा पड़ेगा सर पे, है ना, सर इतना मुलायम, तो वो निकलते 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 उनके सर पे और भी असर पड़ जाता है, एक तो इंसेस्ट, दूसरे तो भुंड की पैदावार, वो आते हैं राणा जी जैसे ऐसे लोग। तो जितने आप ऐसे लोग देख रहे हैं इनको माफ करो, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इनके साथ बड़ा तशद्दुद हुआ। देखो ये वाली है ना, अच्छा भुंड में लिया है आपने कभी? अरे ये देखो तुम्हारी मम्मी ने लिया कि नहीं लिया ये बताओ पहले मुझको, मम्मी ने लिया है तुम्हारी राणा साहब भुंड में? कोई पूछा तो भाई माँ से पूछो ना अपनी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हारे, यानी तुम माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया, जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, जाके दूसरों से पूछ भुंड क्या होती है, हमको मत बोलना। अच्छा गांड किसे कहते हैं? मम्मी से पूछो, मम्मी को नहीं पता आपकी ये सारी सारी साइंस इसने यहाँ पे मुझसे ही पूछनी है। नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ की गांड है, बाप की गांड है कि नहीं है? अच्छा बगैर गांड के पैदा हुए वो, तो तू कहाँ से आ गया? ये गांड ऊपर से जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है ये भाई, तुम्हारी मम्मी का क्या है पता नहीं, कौन सी कौन से एलियन से ये पैदा हुआ, इसको पता ही नहीं कि ऊपर का गांड होता है कि नीचे का गांड होता है, मम्मी ने कभी दिखाई नहीं। बेटा ये सारे सवालात आपको मम्मी से करने चाहिए। मम्मी कहाँ है आपकी पहले मुझे ये बताइए, राणा जी आपकी मम्मी कहाँ है, मैं उनसे पूछूंगे ऐसा चूतिया उन्होंने पैदा कहाँ से कर लिया। जी मम्मी कहाँ है आप, मम्मी से बात करवाएं अपनी। ये जो आपने बताया था कि ये भुंड की कॉन्ट्रैक्शंस होती है, तो ये आपकी कितनी तक कॉन्ट्रैक्ट होती है? भुंड की कॉन्ट्रैक्शंस होती है, सुन लो भाई, वो आपकी मम्मी को हुई थी कॉन्ट्रैक्शंस भुंड की, वो औरतों को नहीं होती, वो चंद खसूस औरतें होती हैं जिनके आपकी भुंड की पैदावार होती है। तो ये तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ रहे कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी कि नहीं हुई थी, मम्मी आपकी भुंड है कि नहीं है, मम्मी आपकी गांड है या भुंड है मम्मी, डैडी ने पीछे से ली थी या आगे से ली थी या ऊपर से ली थी या नीचे से ली थी जब मेरे ऐसा कमीना इस दुनिया में आया भैया, ये सारे सवाल आपके माँ बाप के हैं, आप उनसे पूछे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भैया? अच्छा आपकी भुंड में लबलब होती है थोड़ी? आपकी माँ के हुई थी लबलब? मम्मी की हुई थी लबलब? आपकी मम्मी ने खाई थी जलेबी? मम्मी ने खाई थी जलेबी? डैडी ने खाई थी? गाइस ये देखें, ये है आपका इस्लाम और उनके रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान, फिर कहते हैं हमको मत बोलो, हम बड़े शरीफ, इस्लाम पीसफुल मजहब है, वो औरत की बड़ी रिस्पेक्ट करता है। हाँ कहते हैं एक चीज है भाई, हमें तो यहाँ इस्लाम के इतने बड़े फॉलोअर आए हैं, इनका नाम है राणा शहबाज साहब, ठीक है ना, राणा शहबाज साहब हैं, ये रहते हैं कराची पाकिस्तान में, ये हैं ब्लॉगर पॉलिटिकल एनालिस्ट ये तो मुझको पता था, तो ये प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिक्स की भुंड के अंदर घुसे रहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, स्टूडेंट ऑफ लॉ भी है, फाइनेंस और इकोनॉमिस्ट भी है, फिर स्विम एंड रन ओके डेली एथलीट भी है, बस बस हो गई भैया सभी कुछ है, वैसे सही लिखा है इन्होंने एनालिटिक यहाँ पे, और इनके फॉलोअर्स कितने हैं? 55। बड़े सेलिब्रिटी भाई, ऐसे इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर। मुझे थोड़ा सा आपसे जो है ना ये पूछना था कि आपके उसमें जो है हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों तरफ से अलाउ है उनको, मतलब फ्रंट एंड बैक
इसका तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में ये लिखा है कि औरत आपकी खेती है, कहीं से भी आओ, कहीं से भी डालो सीड, है ना, कहीं से भी उसके अंदर। हाँ तो भाई मुझको दूसरों का नहीं पता, मगर मुझे इस्लाम का पता है कि वो कहता है कहीं से भी आओ। जब भी तो मौलवी साहब कहीं से भी ले रहे होते हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं करते, बच्चा हो बच्ची हो। और मौलवी साहबों को ना भुंड ज्यादा पसंद होती है, दे आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर गे, विच इज नथिंग रॉन्ग, मगर बच्चों के साथ पेडोफिलिया कहलाता है। अगर आप छोटे बच्चे के साथ ऐसी हरकतें करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेडोफिलिया। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपके साथ चाइल्ड मोलेस्टेशन वगैरह हुई है शायद बचपन में। तो भाई के लोड़े, किसी के साथ अगर चाइल्ड मोलेस्टेशन होती है जैसे कि आपके प्रॉफिट ने करी थी, तो आप उसका मजाक उड़ाने आए हो यहाँ पर। अभी वो छोटी बच्ची की मैंने वीडियो की बात की, तो आपको मजाक लग रहा है। ये है इनकी इंसानियत कि एक बच्चा जिसके ऊपर जुल्म हो जाए तो इनको मजाक लगता है वो, कि वो बच्चे पे पूरी जिंदगी उसका असर रहा, वो टॉर्मेंट में रहा, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, वो उस हादसे से बाहर नहीं निकल सका कभी। तो ये उसका मजाक उड़ाने आए हैं यहाँ पर। काश आपकी भूंड किसी ने मारी होती ना तो आपको पता चलता। हाँ ये वीडियो में यही है ना वो जो आप ढूंढ रहे थे। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
रखनी है, कोई भी रख लेंगे, क्योंकि ये जायज है। आप सोचिए, जाए थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा दूर से सोचिए कि भाई ये जी प्रोफेसर बेटा तुम परेशान मत हो ना, मैं लड़कों को समझा दूंगा, तुम तंग नहीं करेंगे कल से। तंग करते थे या करने की उम्मीद रखते थे, अब तो तंग तो बहुत दूर की बात है, कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा राना, तुम अपनी असली तस्वीर लगा के कब आ रहे हो, कब बता रहे हो हमको कि मम्मी ने जलेबी खाई थी कि नहीं खाई थी, मम्मी को आज टट्टी आई कि नहीं आई है, ये कब बताएंगे आप हमको? फेक आईडी लेके घूम रहे हो यहाँ पर, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि अपनी असली तस्वीर दिखा दो? हाँ एक्चुअली जब मौलाना साहब लेते हैं ना इसकी, तो वो बगैर तेल के लेते हैं ना, तो उसमें लव लव नहीं होती होगी ना, उसमें रिकट रिकट के होती होगी, इस वजह से वो पूछ रहे हैं भाई लव लव क्या क्या होता है, हमें भी बताओ। हमारे तो लव लव होता नहीं है, हमारे तो बड़ा दर्द होता है जब मौलाना साहब लेते हैं ना राना जी। ठीक बात की मैंने, मैं समझता हूँ कि कोई आपका आपका शायद कोई मौलाना से मेरे हिसाब से काफी लगाव नजर आ रहा है आपका, तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो गई है तो मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ अगर आपके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि तासुरात आपके ये बता रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो नहीं हुआ, मगर आपके मौलाना साहब बच्चों को तो छोड़ो, मौलाना वो क्या नाम था उनका, अभी अभी उनका कल लास्ट ईयर वीडियो आया था जो एक 20-21 साल के बच्चे को मैनिपुलेट कर रहा था मदरसे में। गाइस अगर आपने देखना है कि क्या किया था तो यूट्यूब पे आ जाए, मैंने ऊपर यूट्यूब पे लिंक दिया, मैं लाइव बैठी हूँ वहाँ पे, मेरी शक्ल के साथ एक्सप्रेशन के साथ देखोगे ना तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो मौलाना साहब थे, उनका नाम मुझे प्लीज कोई यहाँ नीचे बताना, मैंने उनपे वीडियो बनाया था। मौलाना साहब मदरसे में बैठे थे, ठीक है, जहाँ पर कुरान भी रखा तो हदीस भी लिख रखा, आयतें हर जगह लगी हुई थी, तो बंदा खुद वो इतना तंग आ गया था उस मौलाना से, क्योंकि उसने पास करना था और मौलाना साहब ने कहा अगर आपने पास करना है तो आपको मेरे साथ ये करना पड़ेगा, तो पता नहीं कितने साल से वो उसकी गांड ठोक रहे थे, यानी ही वाज अब्यूजिंग हिम फॉर आई डोंट नो फ्यू इयर्स। तो बंदा तंग आ गया, उसने कहा मैं खुद अपनी रिकॉर्डिंग बनाकर खुद वायरल करता हूँ, वरना ये बंदा मेरी जान नहीं छोड़ेगा। तो मौलाना साहब बैठते हैं, तेल वेल पूरा सारा सामान मदरसे में पड़ा है भाई, पॉर्न शूट हो रहा था वहां पर, ठीक है। फिर वो बंदा आता है, यूं करके बैठता है सामने, यू नो लाइक कैसे आता है, इधर फेस करता है रिवर्स, और वो आके शुरू हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है ठीक है। और नहीं, उससे पहले एक्चुअली मौलाना साहब ने कुरान खोल के रखा है इस तरीके से ऊपर, और नीचे जो है ब्लो जॉब चल रही है, वो बंदा नीचे बैठ के बीजे दे रहा था मौलाना साहब को। सुन लीजिए, मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपके बैकयार्ड में क्या हो रहा है, तो सुने। तो हदीस और कुरान से छुपाई गई कि हमारी ब्लो जॉब ना दिखे। फिर वो बंदा यूं आगे से करता है, फिर वो मौलाना साहब कहते हैं नहीं बेटा मेरा खड़ा नहीं हो रहा अच्छे तरीके से, मजा नहीं आ रहा है मुझको, टर्न अराउंड, मुझे अपना शक्ल दिखाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। फिर वो बंदा शक्ल दिखाता है अपनी, फिर वो ऊपर नीचे काव गर्ल होता है, काव बॉय होता है थोड़े, यू नो। फिर वो फारिग हो जाते हैं, तो मौलाना साहब के पास सफाई का भी सामान वहीं पे पड़ा हुआ था, और अलहमदुल्ला अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ठीक है। ये सिखाया जा रहा है मदरसों में, जो राना साहब को पता ही नहीं है। अरे भाई इसको देखो, ये ना किसी छोटे बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा हो, ये जिस तरीके से मजाक उड़ा रहा है ना, मैं गारंटी करती हूँ ये भी बच्चों के साथ ज्यादती करता होगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, दे ऑलवेज डू दैट। जिसको ये फिक्र नहीं हुई कि बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, और वो बच्चा किस टॉर्मेंट से गुजरता है, जिसको ये नहीं है एहसास, वो खुद किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा होगा, गारंटी लिख मैं बताती हूँ आपको। इसको अगर ढूंढना चाहिए, इस पे तो केस होना चाहिए, पाकिस्तान को इसको ढूंढ के निकालना चाहिए इस बंदे को, कि ये तो किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं कर रहा जी। अच्छा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया इस तरह की, और किसको समझा रहे हो, अपनी माँ को समझा रहे हो यहाँ पे बैठ के? ओ भाई मैं समझाने के लिए बैठी हूँ तुम जैसे चूतियाओं को? तेरा दिमाग तेरे लन पे है जो है 1 इंच का, ठीक है, था वो 2 इंच का, मगर खतने में बेचारा 1 इंच काटा गया गलती से, तो अब तुम्हारा 1 इंच का है, तुम हिलाते हुए यहाँ पर आ गए हो, अब आराम से बैठ